चलो स्टार्ट करते हैं। आज डिस्कस करते हैं आपके पैडिंग और मार्जिन, ठीक है। पैडिंग और मार्जिन कैसे चलते हैं, ठीक है जी। आपने जितनी भी अब तक वेबसाइट्स बनाई हैं, है ना, जितने भी आपने काम किया है सारा का सारा, जैसे सपोज यही है ना, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने पर इसको पहले रन करा लेते हैं, एक मिनट। कोई भी पेज उठा लो, सपोज यही है, इसको ओपन करते हैं। ब्लैंक है, इंस्पेक्ट में गए। यहां पर एक छोटा सा डायग्राम दिखाई दे रहा होगा आपको, ये ठीक है। अब देखो इस डायग्राम को समझते हैं, ये है क्या। सपोज आपने हेलो लिखा, आपने एक वर्ड लिखा हेलो, ठीक है। इस वर्ड, इस ये जो वर्ड है आपका, इसका अपना एक बॉर्डर होता है पर्टिकुलर, ये इसको बोलते हैं कंटेंट, कंटेंट साइज। ये कंटेंट है, इस कंटेंट का साइज इतना है, जितना बड़ा कैरेक्टर होगा या कोई इमेज होगी उतना साइज होगा, ठीक है। अब ये जो बॉर्डर है इसका, ये वाला जो बॉर्डर है, ठीक है, इस बॉर्डर से आप पैडिंग देना आपको। तो पैडिंग देने से क्या होगा, ये जो आपका बॉर्डर है, इस बॉर्डर से ये एच डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा, यानी कि कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये आपने इधर से बॉर्डर दिया हेलो, है ना, हेलो, तो ये आपने पैडिंग दिया। तो जो पैडिंग चलता है आपका, पैडिंग चलता है बॉर्डर के और कंटेंट के बीच में, समझ रहे, बॉर्डर के और कंटेंट के बीच में चलता है। ये डायग्राम देखो, ये आपका कंटेंट है, सपोज ये आपका कंटेंट है, ये कंटेंट एरिया दिखा रहा है इतना, ठीक है। पैडिंग इसके चारों तरफ चलेगा, ये बॉर्डर है, यहां से बॉर्डर स्टार्ट है, ये बॉर्डर है, समझ रहे, ये बॉर्डर, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में चलता है आपका क्या, पैडिंग, ये पैडिंग चल, ठीक है। जो आपका बॉर्डर है, हम इस बॉर्डर की अपनी विड्थ भी दे सकते हैं बॉर्डर की, ठीक है। बॉर्डर के बाहर चलता है मार्जिन। सपोज एक वर्ड हो रहा है, आपने एक लिखा हेलो वन, ये हेलो टू है, सपोज इन दोनों के बीच में गैप मेंटेन करना है, इन दोनों के बीच में गैप मेंटेन करना है, तो आपको मार्जिन चलाना पड़ेगा। ये मार्जिन से एक दूसरे से नजदीक और पास दूर जाएंगे, किससे, मार्जिन से। तो दो एलिमेंट्स के बीच में मार्जिन काम करता है, उसी कंटेंट के बॉर्डर और जो टेक्स्ट है उसके बीच में काम करता है आपका पैडिंग, ठीक है। ये बॉर्डर है, बॉर्डर की हम विड्थ हाइट दे सकते हैं, क्लियर है, समझ में आया है कॉन्सेप्ट या नहीं? यस सर। ओके, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा तुम्हारा, ठीक है जी। मैं ड्राइंग क्लियर करता हूं, बस ये ध्यान रखना बॉर्डर और कंटेंट के बीच में चलेगा पैडिंग। दो अलग अलग एलिमेंट्स को अगर डिस्टेंस मेंटेन करनी है, बढ़ानी है घटानी है, टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से, तो बाहर की तरफ चलता है मार्जिन, ये ध्यान रखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मार्जिन देते हैं कभी पैडिंग देते हैं, उन्हें ये नहीं पता एक्चुअली देना कहां से है, ठीक है जी। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, एक न्यू फाइल लेते हैं, पेस्ट, सब डिलीट कर देता हूं, इसको सेव करा देते हैं, किसी भी नाम से सेव करा दो, पैडिंग कुछ भी नाम दे दो, डॉट एच टी एम एल सेव करा देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक डिवीजन है सपोज, ठीक है जी। इस डिवीजन में हम क्या करते हैं, सपोज मैंने एक हेडिंग डाल दिया एच वन, एच टी एम एल सी एस एस, हेडिंग डाला, ठीक है जी। हेडिंग डालने के बाद एक पैराग्राफ ले लो, मैं दो तीन एलिमेंट लिख लेता हूं, इसमें कोई भी एक छोटा सा पैराग्राफ उठा लो, पांच छह लाइन का, कॉपी किया, एक पैराग्राफ मैंने यहां पेस्ट कर दिया, ठीक है, स्लैश पी,
एक पैराग्राफ ले लिया मैंने, ये हमारा पैराग्राफ है। ठीक, ये हमारा पैराग्राफ है इसी डिवीजन के अंदर। ठीक है जी, एक डिवीजन और लिया, या इन्हें ना डिवीजन से बाहर ले लो, क्योंकि मुझे तो ना मार्जिन और पैडिंग समझाने ना, तो मैं कोई डिजाइन थोड़े बनाना। मैं क्या करता हूं, इस डिवीजन से बाहर मैंने ये दे दिया आपके, एक हेडिंग लिया, एक पैराग्राफ लिया। आप खुद बताओगे कौन सा एलिमेंट कैसे काम करेगा। ठीक है जी, ये मेरा एक डिवीजन है, एक हेडिंग है। इस डिवीजन के अंदर भी मैं कुछ लिख लेता हूं, कोई ना कोई एक पैराग्राफ और उठा लेता हूं। ये मैंने उठाया, ओके, इस डिवीजन के अंदर पेस्ट कर दो, दो बार पेस्ट कर दिया, मेरा कंटेंट दो बार दिखाई दे रहा। ठीक है, ये मैंने डिवीजन के अंदर ले लिया, सेव करा। मैं इसका लुक देखता हूं क्या आएगा। ठीक है, ये हमारा हमने किस नाम से सेव करा, पैडिंग के नाम से सेव कराया, इसका एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारा ये आ गया, ये हमारा हेडिंग है, ये हमारा पैराग्राफ है, ये हमारा डिवीजन है। आप एक चीज नोट करो कि इनके हर एलिमेंट के बीच में कुछ ना कुछ गैप आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट गैप आता है, ये मार्जिन बाय डिफॉल्ट आएगा, इन दोनों के बीच में भी मार्जिन है ना। अगर कोई नया डिवीजन लूंगा वो यहां से स्टार्ट होगा तो उनके बीच में भी यहाँ पर मार्जिन रहेगा बाय डिफॉल्ट। यह मार्जिन चेक कर सकते हो कि बाय डिफॉल्ट कितना होता है, इंस्पेक्ट में जाओ, हर दो एलिमेंट्स के बीच में बाय डिफॉल्ट टॉप और डाउन कितना मार्जिन होता है। जैसे आपका पैराग्राफ है, ठीक है, पैराग्राफ का आए तुम यहां पर देखो, ये पैराग्राफ है ना, इसका कोई पैडिंग नहीं है। आप यहां से इसमें शायद सीएसएस में, एक मिनट रुको, अभी देखो इसमें पैडिंग मार्जिन कुछ नहीं दिखा रहा फिलहाल, क्योंकि मैंने अभी अप्लाई नहीं किए है ना। इनके बीच में जो बाय डिफॉल्ट जो आता है, इनके हर एलिमेंट के बीच में 5-5 पिक्सल का गैप आता है, मतलब ये है ना बाय डिफॉल्ट। जैसे कोई हेडिंग है, एक मिनट मैं चेक करता हूं, उसमें आता था, एक मिनट, ये देखो, हाँ ये देखो उसमें, ये आपका H1 है, H1 पे जैसे माउस लेके आया मैं, आप इधर देखो CSS में राइट साइड में H1 के अंदर मार्जिन दे रखा है 0.67 em है ना, ये em में मार्जिन चलता है आपका, मतलब जो आपका HTML CSS लिखा हुआ है, HTML CSS Bootstrap, इसके दोनों तरफ आपका जो येलो कलर का है वो इसका मार्जिन है, समझ रहे हैं। इसी तरह से पैराग्राफ के ऊपर आता हूं तो पैराग्राफ में भी बाय डिफॉल्ट मार्जिन आ रहा है येलो कलर का, है ना, ये येलो कलर का इसमें आ रहा है 1 em का। हर एलिमेंट का बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ मार्जिन होता है, टॉप से भी और बॉटम से भी। ऐसे हम इस डिवीजन के ऊपर लेके आए माउस, इसमें कोई भी टॉप से ना बॉटम से कोई भी मार्जिन नहीं है, है ना, डिवीजन में कुछ नहीं आता है ना। आपका आता है पैराग्राफ में बाय डिफॉल्ट ऊपर से और नीचे से गैप छूटेगा थोड़ा थोड़ा, ये कुछ फिक्स है ना, ये HTML का खुद का अपना है बाय डिफॉल्ट, समझ रहे। जैसे ये है, हमने यहां पर जो गैप है ये कितना है 0.67 है बाय डिफॉल्ट, हम इसको चेंज कर सकते हैं, गैप को मेंटेन कर सकते हैं। आपको अगर इस पैराग्राफ के बीच में और इसके बीच में गैप देना है तो आप क्या करोगे, मार्जिन दोगे या पैडिंग दोगे इसके बीच मार्जिन, हाँ, और इस एलिमेंट के बीच में दोनों के और गैप मेंटेन करना, बाय डिफॉल्ट तो ये मिलेगा ही आपको, लेकिन इससे ज्यादा आपको मेंटेन करना है, तो आप मार्जिन चलाओगे या क्या चलाओगे। मार्जिन, मार्जिन चलेगी सर, मार्जिन चलेगी, गुड। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे हमारा जो डिवीजन था माय डिवीजन, हम इसको थोड़ा सा इसको ही स्टाइल देते हैं, एक मिनट,
और क्लियरिटी आ जाएगी तुम्हारे माइंड में. हैज माय डिव, हमने क्या किया, जैसा इसका जो बैकग्राउंड कलर है, जो हमारा बैकग्राउंड कलर है इसका डिवीजन का, एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं. सपोज मैंने दे दिया लाइट ग्रे, है ना, लाइट ग्रे, लाइट ग्रे कलर दे दिया मैंने, ठीक है. उसके बाद इस डिवीजन की विड्थ दे देते हैं, विड्थ दे दी सपोज मैंने इसकी 400 पिक्सल. हाइट दे देते हैं, हाइट मत दो, हाइट तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगी जितना है कंटेंट हो, ठीक है. इसको एक बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा. बॉर्डर सबसे पहले मैं बॉर्डर देता हूं 1 पिक्सल सॉलिड रेड दे दो, एक रेड कलर का इसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा, है ना. अब देखना ये आपका आ गया. अब मुझे करना क्या है, देखो थोड़ा सा मुझे ये जो बॉर्डर है रेड कलर का और ये जो बी एफ एस एल्गोरिथम का जो पैराग्राफ है इसके और बॉर्डर के बीच में मुझे गैप मेंटेन करना है, टॉप से राइट से चारों तरफ से मेंटेन करना है. तो मैं पैडिंग चलाऊं या मार्जिन चलाऊं बॉर्डर से और उसके बीच में गैप मेंटेन करना है. पैडिंग बोलो, पैडिंग चलेगा, है ना, हमारा क्या चलेगा पैडिंग. तो मैं इसमें क्या अप्लाई करता हूं, पैडिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं. पैडिंग मैंने चारों तरफ से दे दिया 50 पिक्सल का, 50 पिक्सल दे दिया. तो होगा क्या, ये यहां से 50 पिक्सल हट जाएगा. ये देखो ये फिक्स रहा, यहां से भी 50 पिक्सल, यहां से भी 50 पिक्सल, यहां से भी 50 पिक्सल, चारों तरफ से 50 50 पिक्सल ये हट गया बॉर्डर से. पैडिंग से ये काम होता है. ये आपका गैप अब भी उतना ही है जितना पहले था, ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने मार्जिन नहीं दिया इस एलिमेंट. क्लियर है, समझ में आया. आप अगर आप पैडिंग सिर्फ लेफ्ट से देना चाह रहे हो तो आप लिखो खाली लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट. अगर आपने खाली पैडिंग लिखा तो टॉप डाउन बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ से आएगा, तो इससे क्या होगा, सिर्फ आपका लेफ्ट से पैडिंग आएगा इधर से, है ना. पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग हमने दे दिया पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप, टॉप से भी 50 पिक्सल दे दिया. तो आपका 50 पिक्सल मेंटेन हो जाएगा, ये आ गया 50 पिक्सल इधर से, 50 पिक्सल इधर से. बॉटम से भी दे सकते हैं, है ना, कहीं से भी आप चारों तरफ से अप्लाई कर सकते हैं पैडिंग, ठीक है. जैसे मैंने पैडिंग दिया, पैडिंग बॉटम से 50 पिक्सल, तो ये बॉटम से भी 50 पिक्सल गैप ले लें, ये आ गया. लेफ्ट से भी दे सकते हैं, राइट से भी दे सकते हैं, अलग अलग दे सकते हैं. लेकिन जब चारों तरफ से देना हो तो सिर्फ खाली पैडिंग लिख दो तो चारों तरफ से ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मेंटेन हो जाएगा, या क्लियर है, ठीक है. ये जो हमारा बॉर्डर है, हाँ सर, ये विड्थ क्यों बढ़ा दी फिर इसने, किसकी, ये मतलब जो ये वाला डिवीजन है, इस डिवीजन की भैया आपने सर, जब इसकी 400 थी ना, हाँ जी सर, 400 विड्थ थी तो बॉर्डर, ये देखो एक मिनट, सपोज मैंने मार्जिन कर दिया, एक मिनट, हमने मार्जिन कर दिया 100, ठीक है. अब चेक करो आपका डिवीजन, आपका जो विड्थ थी, ये जो आपका कंटेंट है, ये जो कंटेंट है, ये वाला कंटेंट अब भी 400 है भाई, ये कंटेंट अब भी 400 है, समझ रहे हैं, यहां से लेकर अब भी 400 है. पैराग्राफ तो उतना ही, आप एडिंग ही तो दे रहे हो, इसकी डिवीजन की विड्थ नहीं बढ़ी, ये पैराग्राफ की बढ़ रही है, ठीक है. ओके सर, ठीक है. अगर आपको क्या करना है, अब इन दो एलिमेंट्स, ये है आपका हेडिंग, ये पैराग्राफ है और ये एक डिवीजन है, इनके बीच में आपको गैप मेंटेन करना है. तो आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, मार्जिन प्रॉपर्टी यूज करोगे, यानी कि आप इसको थोड़ा नीचे लेना चाह रहे हो. तो दो एलिमेंट, ये अलग एलिमेंट आपका पैराग्राफ, ये अलग है, ये अलग है, तो आप लिखोगे पैडिंग. किसे पैडिंग देना है, आपको मार्जिन देना है, इसी डिवीजन को देते हैं मार्जिन. मार्जिन दे दिया, मैं ऊपर से कर देता हूं 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, यानी कि ये डिवीजन
चारों तरफ से 20-20 पिक्सल खिसक जाएगा। ये देखो यहां से 20 पिक्सल, इधर से 20 पिक्सल मेंटेन हो गए। थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 100। तो ये चारों तरफ से 100 हट जाएगा अपनी पोजीशन पर। यहां से 100 हट गया, यहां से 100 हट गया, 100 पिक्सल क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा पैडिंग। ये मार्जिन चलेगा, दो इसके और इसके बीच में मार्जिन चला, इस बॉर्डर के और इसके बीच में पैडिंग चला। समझ में आया? यस सर। हमारा कॉन्सेप्ट है पैडिंग का और मार्जिन का। इसमें हमने, अगर हमने टॉप से दिया खाली, टॉप से तो सिर्फ टॉप टॉप से जाएगा, लेफ्ट से इधर से जो है यहाँ गायब हो जाएगा, ये गायब होगा, सिर्फ टॉप से 100 पिक्सल। तो इसी तरह से किसी भी एलिमेंट को अभी हम इसे इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है, इंस्पेक्ट करके देखते हैं इसी को, राइट क्लिक किया इंस्पेक्ट, ठीक है। अब देखो ये दिखा रहा है कि हमारा कंटेंट जो बीएसएफ वाला है, ये 400 बाई, इसकी 400 विड्थ है ना, ये जो ब्लू कलर का आ रहा है ये 400 विड्थ है, इसकी हाइट कितनी है 216। इसके चारों तरफ हमने पैडिंग दे रखा है 100 का, बॉर्डर है 1 पिक्सल का, बॉर्डर 1 पिक्सल का है ना, कहा है 1 पिक्सल का, ये देखो मैंने आगे दिया 1 पिक्सल सॉलिड, समझ रहे। अगर इसका बॉर्डर की विड्थ बढ़ा दो 10 पिक्सल, तो ये 10 पिक्सल का हो जाएगा। अब देखो कंटेंट हमारा 400 बाई 216 का, पैडिंग हमारा 100, चारों तरफ से 100, बॉर्डर हमारा 10 का, पैडिंग चारों तरफ से 100 का, ऊपर से 100 का, टॉप से 100 का, ये दिखा रहा है सारा का सारा, ठीक है। तो जब भी आप किसी एलिमेंट को मूव करो, डिजाइन करो, तो ये पैडिंग और ये मार्जिन जरूर याद रखो। समझ में आया? तो ये प्रॉपर्टी हमारी मार्जिन की, किस तरह से मार्जिन चलता है। सर ये पैडिंग मार्जिन अलग अलग भी दे सकते हैं, लेफ्ट राइट? हाँ लेफ्ट राइट भी दे सकते हैं आप, लेफ्ट राइट, जहां से भी आपके, आपका डिजाइन क्या बनाना चाह रहे हो, डिजाइन पे डिपेंड करता है आपके, आप डिजाइन क्या बनाना चाह रहे हो, समझ रहे। टॉप से दे सकते हो है ना, लेफ्ट से दे सकते हो खाली, तो लेफ्ट लेफ्ट से मेंटेन हो जाएगा, ये लेफ्ट से आ जाएगा, ऊपर से हट गया, उसे चेक कर सकते हैं आप मार्जिन, ये येलो कलर की पट्टी इधर इधर आ रही है ना। अगर मैं टॉप से भी देता हूं मार्जिन टॉप, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और बताता हूं तुम्हें, ये मैंने मेंटेन कर दिया तो ऊपर से गैप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना डिजाइन बना सकते हो इजीली। क्लियर है सभी को एडिंग और मार्जिन? यस सर। गुड सर, ठीक है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। चलो एक एलिमेंट लेते हैं हम, देखो ऐसा ट्विस्ट बढ़ाते हैं तुम्हारा, मैं इस डिवीजन को डिलीट करता हूं। सपोज हमने ले लिया एक एंकर टैग, ले लिया ए है ना, हमने लिख दिया, एस आर ई एफ दे दिया, कुछ भी दे दो, मैंने हैश दे दिया सपोज फिलहाल, इसको आईडी दे दिए, आईडी देते हैं ए एम सी है ना, इसको सी एस एस करते हैं। मैंने इसको जो आपका हैश ए एन सी है, ए एन सी इसकी आईडी है, इसको पैडिंग देता हूं, इसके एक तो बॉर्डर देता हूं, पहले बॉर्डर दे देता हूं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू है ना, तो उसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, एक बॉर्डर बन के आ जाएगा, ये आ गया चारों तरफ एक ब्लू कलर का बॉर्डर, ठीक है। अब मैं इसको पैडिंग देता हूं, पैडिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करी, पैडिंग पैडिंग दिया मैंने 50 पिक्सल, तो क्या होगा चेक करते हैं, ये 50-50 पिक्सल हट गया चारों तरफ से, ठीक है, 50-50 पिक्सल चारों तरफ से हट गया। अब हम इसको थोड़ा नीचे करते हैं, मार्जिन देख, मार्जिन मार्जिन दे दिया मैंने इसको 100 पिक्सल देते हैं,
ये मार्जिन नहीं काम कर रहा, आप देख रहे हो मार्जिन टॉप से नहीं आया, लेफ्ट से चला, क्यों भाई इसलिए नीचे क्यों नहीं आया? आप चेक करो, मैंने मार्जिन दिया 100, मार्जिन टॉप से देते हैं, मार्जिन दिया टॉप से, वही नहीं, नीचे ही नहीं आया, ये नीचे ही नहीं आया, ठीक है, क्यों नहीं आया? हेलो, ऐसे ही मैंने एक टैग लिया स्पैन, स्पैन टैग के अंदर मैंने लिखा हेलो, ठीक है, इसको भी मैंने स्टाइल दे दिया, यहीं दे देते हैं स्टाइल, है ना, मैंने इसको पैडिंग दे दिया, इसको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर दे दिया 1 pixel सॉलिड ग्रीन, है ना, 1 pixel, 1 क्या है सर, 5 दे देते हैं, चलो 5 pixel का बॉर्डर दे देते हैं, एक प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें, पैडिंग दिया चारों तरफ से 10 pixel, देखते हैं क्या इफेक्ट आएगा, हमारा यहाँ आ गया एक, ठीक है, अब इसको मार्जिन देते हैं, मार्जिन दे दिया मैंने 100 pixel, होगा क्या, अब इसे चेक करते हैं, ये लेफ्ट से मार्जिन ले रहा है, ये भी टॉप से ले रहा है, अब ये चक्कर क्या है, कुछ एलिमेंट्स तो हमारे टॉप से मार्जिन ले लेते हैं, कुछ लेते नहीं, अब देखो मैंने एक और लिया, सपोज ले लिया मैंने H2, इसमें मैंने एडिंग डाला वेलकम स्लैश H2, ठीक है, इसको मैंने H रेफरेंस, सॉरी इसको स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल स्टाइल इक्वल टू, इसको भी बॉर्डर कलर देते हैं जिससे पता लग जाए, बॉर्डर बॉर्डर देते हैं 1 pixel, जरूरी नहीं बॉर्डर दो तब भी काम करेगा ये, ग्रे कलर का बॉर्डर दे दिया, पैडिंग दिया, पैडिंग दे दिया मैंने 20 pixel, चेक करते हैं पहले पैडिंग, ये आ गया आपका, ये 20 pixel का आ गया, चारों तरफ से पैडिंग आ गया बॉर्डर से 20 pixel, अब इसको मार्जिन देखते हैं, मार्जिन मार्जिन दे दिया 100 pixel, ठीक है, अब चेक करते हैं H2 को मार्जिन, इसका मार्जिन चल रहा है इधर से भी 100, ऊपर से भी 100, ये भी 100, तो ये जो आपका एंकर टैग था, स्पैन टैग था, इनमें टॉप का मार्जिन क्यों नहीं चल रहा, तो बताएगा कोई, किसी ने पकड़ा पॉइंट? हाँ गुड, यही पॉइंट है बस, जो हमारे इनलाइन एलिमेंट्स होंगे वो कभी भी ना तो टॉप से और ना ही बॉटम से हम मार्जिन नहीं लेंगे, समझ रहे, जो हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट होंगे, ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होंगे आपके, वो आपके लेफ्ट राइट बॉटम अप चारों तरफ से मार्जिन लेते हैं, लेकिन जो मार्जिन प्रॉपर्टी है टॉप और बॉटम की, इनलाइन लेवल पे कभी अप्लाई मत करना, ये हमारा इनलाइन लेवल टैग है, ये भी हमारा इनलाइन लेवल टैग है, समझ रहे, तो जो इनलाइन होते हैं उनमें टॉप और बॉटम हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्लियर है पॉइंट, ठीक है जी, तो ये सारी वर्किंग थी हमारी किसकी, सर एक बार, यस बताइए, एक बार ना बार भी समझा सकते, ओके अब डिस्कस करते हैं, अच्छा एक आपने वेबसाइट में देखा होगा सभी ने, कोई भी अगर हम वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे मैंने फेसबुक ही ओपन करी, सपोज फेसबुक, ठीक है, तो यहां पर एक छोटा सा आइकन आ रहा है बना हुआ, दिखाई दे रहा, ये आइकन, इस आइकन को क्या बोलते हैं, इस आइकन को बोलते हैं फेवरेट आइकन, तो आप अपनी वेबसाइट पे अपना आइकन लगा सकते हो यहां पर, ठीक है, तो इसको बता देते हैं कैसे लगाएंगे फेव आइकन को, हर वेबसाइट में होता है मोस्टली, जैसे आपने गूगल ओपन करी,
यहाँ पर भी देखो एक छोटा सा आइकन आ रहा है, लेकिन हमने जितने भी अब तक वेब पेज बनाए इन वेब पेज पे आपका कोई भी फाइव आइकन नहीं होगा। ये देखो टॉप में देखो यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट अर्थ का साइन आता है, एक है ना इंटरनेट का साइन आता है, ठीक है ये आपका बाय डिफॉल्ट आता है। आप इसको चेंज कर सकते हैं कैसे, फाइव आइकन से, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करेंगे ये चेक करते हैं, क्लियर है। तो जैसे इसी पेज पे लगा लेते हैं, जैसे हमने कौन सा पेज ओपन किया इसी पे ही ओपन कर लेते हैं इसी को, नोट पैड में इसको तो कुछ है नहीं कोडिंग, ठीक है इसी में कर लेते हैं। ये जो हेड टैग है ना पैडिंग वाला पेज है इसी पे लगा लेते हैं, एक मिनट रुको। ठीक है हमें हेड टैग के अंदर आपका फैब आइकन लेना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक फैब आइकन डाउनलोड कर लो कहीं से भी, है ना। वैसे तो ये GIF हो या PNG हो कोई भी हो, है ना कोई भी ले सकते हैं आप। तो जैसे भुजा आइकन लगाना है, फैब आइकन एक छोटा सा ही है सर्च का, ये लगाते हैं एरो का लगा लेते हैं, इसे उठा लेते हैं, कॉपी कर लिया है, इस एरो को लगाते हैं। हमारा जो IMG नाम का फोल्डर है यहाँ पर, वैसे तो हमारे पास था है ना, ये भी था, ये भी लगा के देख सकते थे। चलो एरो डॉट, ये कौन सा है फॉर्मेट, ये PNG है, तो इसी को लगाते हैं, ठीक है। फाइव आइकन को कैसे लगाएंगे, एंकर टैग के अंदर, सॉरी ये जो आपका हेड टैग है इसी के अंदर आपको एक लिंक लेना पड़ेगा। मैंने बताया था जब भी कोई काम करते हो बाहर से कोई चीज लगाओगे तो हम हेड टैग के अंदर लगाते हैं, और हेड टैग के अंदर बाहर से कोई भी चीज लगाओगे तो आपको लिंक टैग का यूज करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे आपके जो एच रेफरेंस में उस लोकेशन का नाम जहां से हमें उठानी है, तो IMG फोल्डर के अंदर हमारे एरो नाम के arrow.png नाम की फाइल है, ठीक है। इस फाइल का टाइप बता दो, इस फाइल का टाइप बता देते हैं हम, ये हमारी जो फाइल है इमेज फाइल है, लेकिन कौन सी है, PNG है। इसका साइज स्पेसिफाई करते हैं, अच्छा जितने भी हमारे फाइव आइकन होते हैं इनका बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है 16x16 का होता है ना, 16x16x16 का होता है बाय डिफॉल्ट, आपको क्रॉस लिखना है, ठीक है। और इसमें रिलेशन में लिख देंगे ये क्या है, आइकन है, आइकॉन, ठीक है। ये हमने लगा, आप चेक करते हैं हमारी जो पैडिंग वाली थी, पैडिंग बंद करते हैं, ठीक है। इसमें चेक करो ऊपर टॉप में ये आपका एरो का साइन आ गया, दिखाई दे रहा है सभी को, ये देखो ये हमारा एरो का साइन आ गया, इसको बोलते हैं फेवरेट आइकन, समझ रहे। तो इस तरह से आप फेवरेट आइकन्स लगा सकते हो अपनी वेबसाइट पे कहीं से भी, जो भी तुम्हारा वेबसाइट होगी इस पे फेवरेट आइकन लगा सकते हो, क्लियर है सभी को, बोलो। यस सर। ओके चलो कुछ और चीज सिखाते हैं तुम्हें, जैसे हमें किसी दूसरी वेबसाइट से आइकन उठाने हैं, ठीक है। एक बहुत बढ़िया वेबसाइट है आपकी, जैसे fontawesome.com, fontawesome इस साइट को ओपन कर लो, ठीक है। इस साइट के ऊपर बहुत सारे आपको आइकन्स मिल जाएंगे, आइकन्स पे क्लिक करो, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, जैसे मोबाइल का आइकन लगाना है, ये बहुत सारे आइकन्स हैं, इन आइकन्स को आप यूज कर सकते हो। जैसे हम लेते हैं मोबाइल का आइकन, देखते हैं मोबाइल, एंटर किया तो हमारे पास मोबाइल के ये आइकन आ गया, इसको क्लिक करते हैं, ये आ गया हमारा। तो हमें क्या करना है, इसको लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एक जावास्क्रिप्ट का कोड है, वो कोड चाहिए, कोड देखो कहां पर है इसका, इसका जो कोड है एक तो ये है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं, इसको कॉपी कर लेते हैं, एक तो ये कॉपी, ये इमेज लगानी है, ये इमेज तभी लगेगी टेलीफोन की जब आपके पास ये यूज करोगे,
तो इसको तो मैं अपने कोड में यूज कर लेता कहीं भी, सपोज यहाँ पर यूज कर लेता हूँ इसको ये। और एक जावा स्क्रिप्ट का मुझे कोड चाहिए, इसमें देखना पड़ेगा कहाँ पर है, एक मिनट रुको, मुझे ये लाइन चाहिए थी, ठीक है, ये मेरी टूल किट मिल गई, इसको संभाल के रखना। जब भी आप फॉन्ट अवे सब में यूज करोगे कोई फॉन्ट, तो आपको ये लाइन चाहिए, तो मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ और अपने हेडर टैग के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ये जरूरी है आपके लिए, ये जरूर मिलनी चाहिए, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, आपकी जो वेबसाइट थी यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर कोई आइकन आया, ये आ गया आपका पे का, दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये देखो आपको कोई भी आइकन चाहिए आप इजीली ले सकते हैं, बस आप ये डाउनलोड कर लेना, कि ये मैं सेंड कर दूंगा आपको, शेयर कर दूंगा, आप इसी को यूज कर लेना। तो आपको इस वेबसाइट से जो भी आइकन चाहिए है ना, जो फ्री हो, आप उसको उठा सकते हैं, ठीक है जी। जैसे ये हमारा वैन वाली ऐसे उठाना है, इसके बिना नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। इसको कॉपी करो यहां से, कॉपी, और यहां पर पेस्ट कर लो जहां पर भी आइकन लगाना है तुम्हें। रिफ्रेश करो, सॉरी, ये वाली है, रिफ्रेश करते हैं, तो ये आपकी वैन आ गई छोटी सी। तो जो भी आइकन्स आपको लगाने हैं, आप अवेसम सबसे बढ़िया वेबसाइट है, इसमें आपको मोस्टली आपकी वेबसाइट्स के लिए सभी आइकन मिल जाएंगे, है ना। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम चुप बैठ के कोरल ड्रा में ही छोटे छोटे आइकन डिजाइन करें, ठीक है। तो आप यहीं से उठा सकते हैं, इनका मैकेनिज्म मैंने बता दिया कैसे उठाने हैं, हर एक का कोड होता है ना, एक टूल किट होती है, ये टूल किट मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, इस टूल किट को आप यूज कर ले, ये इसका लिंक है, ये स्क्रिप्ट टैग है, जावा स्क्रिप्ट का कोड है इसके अंदर, ठीक है, इस फाइल के अंदर, तो उसको यूज कर सकते हैं आप, कोई भी आइकन आसानी से लगा सकते हो। क्लियर है सभी को? तो आपको लॉग इन कर लेना एक बार साइट पे, इजिली हो जाएगा, समझ आया। आप यहां से इन्हें डाउनलोड करके भी लगा सकते हो, तो डाउनलोड कर लो, इसका .svg एक्सटेंशन है, जैसे मैंने ये किया है ना, ये इमेज थी, मैंने svg डाउनलोड करी, इसकी बिट हाइट दी, इसको मैंने कहां पर सेव कराया, img फोल्डर के अंदर, रिफ्रेश करेंगे तो आप पे लोड हो जाएगी, ये देखो लोड हो गई, ठीक है। तो कोई भी आइकन चाहिए आपको, बहुत सारे आइकन फ्री में मिल जाएंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं इन पर छोटे छोटे आइकन होते हैं, इनको लगा सकते हैं, एक इमेज स्प्लिट के सब बताया था मैंने, ठीक है, क्लियर है। चलो आज इतने